एक दिन की छुट्टी के बाद आज फिर खुलेंगे बैंक। अब एक हफ्ते में 20,000 की जगह 24,000 रुपए निकालने की छूट। आज से बैंकों में एक दिन में 4,000 के बजाय 4,500 रुपए के बदले जाएंगे पुराने नोट, 500 के नए नोट भी मिलेंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए अलग से होगी लाइन, कैश बदलने, पैसे की निकासी और रकम जमा करने के लिए अलग अलग लाइन। बैंकों में भीड़ को देखते हुए पेंशनर के लिए राहत, अब पेंशन धारक 15 जनवरी तक दे सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 10 से 13 नवंबर के बीच बैंकों में जमा कराए गए कुल 3,00,000 करोड़ रुपए, बैंकों और एटीएम से 50,000 करोड़ रुपए की निकासी। एटीएम से रोजाना कैश निकासी की सीमा बढ़ी, अब 2,500 रुपए निकाले जा सकेंगे। सरकार ने की ट्रांजैक्शन चार्ज माफ करने की सिफारिश। आर्थिक संकट खत्म करने के लिए एसबीआई का बड़ा ऐलान, एटीएम से निकलेंगे 100 के साथ 20 और 20 के भी नोट। अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा बैंकों में आने वाली भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। ग्रामीण इलाके के बैंकों में कैश की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध कराया जाएगा ज्यादा कैश। दिल्ली में कैश निकालने के लिए देर रात भटकते रहे लोग, कई इलाकों में एटीएम के बाहर लंबी कतारें। दिल्ली के भजनपुरा में बैंक से पैसे निकालने के लिए रात से ही लोगों की कतार, बैंक के बाहर ही गुजारी रात। दिल्ली के ब्रह्मपुर इलाके में भी आधी रात से ही बैंक के बाहर कतार में खड़े देखे लोग, सुबह तक बैंक खुलने का इंतजार। कैश निकालने के लिए रात भर परेशान दिखे लोग, कई जगहों पर एटीएम के बाहर शाम से ही लाइन में खड़े थे लोग। इलाहाबाद में नोटबंदी के समर्थन में उतरे लोग, पीएम मोदी का किया जय जयकार। नोटबंदी पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में विपक्ष, स्पीकर से सदन में चर्चा कराने की मांग। कांग्रेस की अगुवाई में टीएमसी, लेफ्ट, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों की बैठक, सरकार को घेरने की बनी रणनीति। संसद में विपक्ष से दो दो हाथ करने को तैयार सरकार, एनडीए की बैठक में बोले पीएम, देश की जनता सरकार के साथ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विपक्ष के दबाव में झुकने का सवाल ही नहीं है। एनडीए की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा गठबंधन के सभी दल सरकार के साथ। अनंत कुमार ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ, कालेधन की मुहिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा नोटबंदी के फैसले पर पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। वेंकैया नायडू के मुताबिक बैठक में पीएम ने साफ कर दिया कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। एनडीए के घटक दल शिवसेना ने दी धमकी, नोटबंदी पर रोल बैक नहीं हुआ तो सरकार का रोल बैक हो सकता है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के नेताओं की दिखी मौजूदगी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों से मांगा सहयोग, बैठक के बाद कहा सभी पार्टियां चाहती हैं सदन की कार्यवाही सही से चले। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी लेंगे बैठक में हिस्सा। नोटबंदी के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने आज बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, केंद्र के फैसले पर होगी चर्चा। नोटबंदी को लेकर केंद्र पर हमला बोलने के बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंचेंगी दिल्ली, केजरीवाल समेत कई नेताओं से करेंगी मुलाकात। नोटबंदी पर शिवसेना को छोड़ एनडीए के सभी घटक दल सरकार के साथ, रामविलास पासवान ने कहा हमारी पार्टी फैसले का पूरी तरह समर्थन करती है। रामविलास पासवान ने कहा प्रधानमंत्री ने दो स्ट्राइक किया, एक दुश्मनों के खिलाफ, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ। एनडीए की बैठक में मौजूद अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा हमारी पार्टी पीएम का साथ देगी। स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमने सदन में नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुक के मुताबिक नोटबंदी के साथ संसद में सर्जिकल स्ट्राइक का भी उठेगा मुद्दा, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। पेट्रोल पंप, दवा दुकानों पर अब 24 नवंबर तक चलेंगे 500 और 1000 के पुराने नोट, पहले 14 नवंबर तक की थी सीमा। बिहार के दरभंगा में बैंक के बाहर लाइन में खड़े बुजुर्ग की भीड़ में दबकर मौत, घर में पसरा मातम। मोतिहारी में भी कैश निकालने के चक्कर में बुजुर्ग की गई जान, लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिरा शख्स, अस्पताल जाते समय मौत। पटना के फुलवारी शरीफ में एटीएम के बाहर लाइन में खड़े होने को लेकर हंगामा, महिलाओं के बीच मारपीट। गुजरात के राजकोट में चेकिंग के दौरान 2.5 करोड़ कैश बरामद, बोरियों में भरे थे 500 और 1000 के नोट। हैदराबाद में नोटबंदी से सुस्त पड़ा बाजार, चार मीनार में कारोबार में 80% कमी। छत्तीसगढ़ में नोटबंदी से किसान और मजदूरों को भारी दिक्कत, राशन पानी के लिए परेशान है लोग।
मध्यप्रदेश के सागर में किसान खाद बीज को लेकर चिंतित किसान, पैसे नहीं होने से आलू की बुआई में हो रही है देरी। लद्दाख के दूर दराज के गांव में नोटबंदी से बड़ी परेशानी, एटीएम और बैंक के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है पैदल। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की बड़ी परेशानी, 30 से 40 किलोमीटर दूर है बैंक। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, सीबीएसई स्कूलों में फिर शुरू होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 2017-18 से फिर से शुरू की जाएगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। हम सीबीएसई को 10वीं की एग्जामिनेशन करेंगे लेकिन उसका अमल 17-18 के सेशन में होगा, इस साल अभी 2 महीने में तुरंत नहीं करेंगे, तो इसका अंतिम विचार चल रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के मुताबिक स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पर ध्यान देने के साथ साथ सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सेना का तलाशी अभियान जारी। एलओसी पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेकाबू मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत। मर्सिडीज पलटने के बाद मौके से फरार हुए रईस जादे, पुलिस को कार में मिली शराब की बोतलें। दिल्ली के ब्रजवासन में एक दंपति के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, हथियारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के छालवा में अवैध संबंधों के कारण भाई ने ली भाई की जान, लोहे की रॉड से पीट पीट कर की हत्या। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल की नर्स से दिन दहाड़े लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटियाला में लकड़ी गोदाम में भीषण आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के सोनीपत में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोस में रहने वाला आरोपी फरार। लुधियाना में अकाली दल विधायक के घर के बाहर तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत, मृतक बिहार के जमुई के रहने वाले। दानापुर में गंगा में नहाते समय एक युवक नदी में डूबा, बेटे को बचाने के लिए 3 घंटे तक गुहार लगाती रही मां। ठाणे में हाईवे पर बिजली के खंभे से टकराया कंटेनर, खंभा गिरने से सड़क पर दोनों तरफ आवाजाही बंद। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में एक मारुति से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता के विधान नगर में अवैध हथियार बेचते पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में कचौड़ी खाने के बाद खुले पैसे मांगने को लेकर बवाल, दबंगों ने दुकानदार की लोहे की रॉड से की पिटाई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आग से अफरा तफरी, दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के बेगूसराय में एक छात्र की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। दिल्ली के कल्याणपुरी में बाइक पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए बाइक सवार, तमाशबीन बनी रही पुलिस। पटना में घर पर कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने जमकर मचाया कोहराम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रेलवे ट्रैक पर कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के आजमगढ़ में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 3 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में शादी के घर में मातम, नेशनल हाईवे पर कार पलटने से 3 की मौत, दूल्हा समेत कई लोग घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तालाब में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पठानकोट में कैंपस में 3री मंजिल से गिरकर इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, कॉलेज प्रशासन का आरोप, शराब के नशे में था। दुनिया भर ने लोगों ने किया सुपरमून का दीदार, 68 साल बाद हुई खगोलीय घटना। पूर्णमासी के चांद से 14% ज्यादा बड़ा नजर आया चांद, अब 2034 में होगा इतने बड़े चांद का दीदार। चीन में भी सुपरमून को देखने घरों से बाहर निकले लोग, लोगों में दिखा गजब का जोश। अमेरिका में भी दिखा सबसे बड़ा और चमकीला सुपरमून, पृथ्वी और चांद के बीच औसतन दूरी 84,500 किलोमीटर। भारत में दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिखा सुपरमून, लोगों में दिखा भारी उत्साह। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत एलआईसी के क्षेत्रीय प्रबंधक हेमंत भार्गव ने किया एलआईसी के स्टॉल का उद्घाटन। देव दीपावली पर गंगा घाटों पर जलाए गए दिए, वाराणसी के घाटों में मन भावन रौनक।
गुरु पर्व के मौके पर जगमगा उठा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अरदास करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए विशाखापट्टनम पहुंची टीम इंडिया, 17 नवंबर से होगा मुकाबला। जयपुर में बड़ी मुश्किल से मैच बचा पाई थी टीम इंडिया, विशाखापट्टनम में टीम से बेहतर प्रदर्शन की आस। राजकोट पिच को लेकर विराट कोहली की राय से सहमत नहीं स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कहा 5 दिन के मैच के लिए परफेक्ट विकेट। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने पिच को लेकर जताई थी नाराजगी, पिच पर घास होने की कही थी बात। पहले वनडे में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से रौंदा, 78 रन बनाने वाले धनंजय डिसिल्वा बने मैन ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड में सोमवार को सुनामी के बाद भूकंप से तबाही की सामने आई तस्वीरें, प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग जारी, सेना की ओर से भीषण बमबारी का सामने आया वीडियो। मोसुल में इराकी फौज ने आईएस के खिलाफ तेज किया अभियान, भारी जंग छिड़ने के बाद सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागे। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी, लॉस एंजलिस में सैकड़ों छात्रों ने खुला मोर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माना डेमोक्रेट्स के लिए मुश्किल भरा समय, लेकिन हमें अपने मूल सिद्धांतों के साथ बने रहना होगा।